जरा भाभी चाय ले आइए। बस मैं लाई रही थी चाय, आज गैस का प्रेशर कम है इसलिए देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम जरा चाची। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। सुबह जरा जल्दी आ जाए कीजिए ना, फिर सारे काम वक्त पर हो जाएंगे, गैस तो यूं ही रहेगी। आदि आज सुबह भी ऑफिस के लिए इतनी जल्दी निकल गया। अरे बेटा प्राइवेट नौकरी में नखरे नहीं चलते, थोड़ी सी देर हो जाए ना तो निकाल बाहर करते हैं, वैसे भी वो लड़का खासा खैर जिम्मेदार है। जया चाची आप भी हमारे साथ आके नाश्ता कर लें। हाँ बेटा, बस जरा दो एक काम है फिर कर लूंगी नाश्ता। तुम्हें बड़ी फिक्र रहती है जहरा भाभी की, सारा बावर्ची खाना उन्हीं के हवाले है, जो चाहती हैं खाती पीती हैं। आपने किचन उन्हें काम करने के लिए दिया मम्मी, खाने के लिए नहीं। बेकार बातें मत करो सिला, तुम जानती हो कि हम कितने सालों से अदील का और जहरा भाभी का खर्चा उठा रहे, कोई सहारा देने वाला नहीं था उन्हें, चाहे भी तो हमारा एहसान नहीं उतार सकती। तो एहसान उतार तो नहीं है काम कर करके सिला। ये देखो बचपन में कितना सेहतमंद हुआ करता था, रंग भी गुलाबी था बिल्कुल। वो बहुत प्यार किया करते थे आदि को, हंसता मुस्कुराता बच्चा था। मगर अब तो बचपन जैसी कोई खूबी नहीं है इसमें, हर वक्त मूड ऑफ रहता है इसका, लगता है इसके मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। जिनके पाँव के नीचे खड़े होने के लिए अपनी जमीन तक नहीं होती, उनके हंसने मुस्कुराने पे क्या हर फीलिंग पे पाबंदी लग जाती। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आते ही लड़ने क्यों लगे सिला से? लड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने नहीं इसके अब्बा के घर में रहते हैं पिछले 20 सालों से। बात करो। और मेरा अब्बा शायद आपके भी चाचा लगते हैं जी, दूर पार के। ये लम्मी दवाई आपके। अरे बेटा फिर दवाई ले आए, अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि अभी 1 महीना और लगेगा आपको पूरी तरह ठीक होने में, तब तक ये दवाइयाँ लेते रहना होंगी। अपना बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही, बुखार में भी काम करती रहती है, प्लीज ख्याल करें। इन डॉक्टरों का क्या है, अच्छे भले इंसान को बीमार कर देते हैं, असल सेहत तो काम करते रहने में है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ला रही हूँ, कपड़े बदल रही हूँ। वो जहरा चाची कह रही थी कि तुम रोजाना नाश्ता किए बगैर ही चले जाते हो। मेरी अम्मी सुबह 6 बजे उठ के मेरे लिए नाश्ता बना के रखती थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया। जब तक मैं ऑफिस जाता हूँ ना, वो नाश्ता बर्फ हो चुका होता है। कभी मेरे साथ ठंडा फ्राई अंडा खाओ ना, तब तुम्हें पता चलेगा। सिला, बेटा सफीना तुम्हें बुला रही है। सही, आ गया शाही बुलावा आपके।
मेरे हजार बार मना करने के बावजूद तुम एनएससी के चक्कर लगाती रहती, बहुत दिल लगता है तुम्हारा। रहा सारा दिन घर में बैठे बोर हो जाती हूँ अम्मी, और अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया है, क्या करूँ मैं? जरा चची और अदील के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेती। तुम्हारी बोरियत का भी कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। कैसा बंदोबस्त? ना तो आप लोग आगे पढ़ने की परमिशन दे रहे हैं और ना ही जॉब करने की। सारी दोस्तों ने मेरी यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा अच्छा, इस वक्त मुझे देर हो रही है, मैं बहस नहीं कर सकती। मैं शायस्ता आप आके यहाँ जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी चलो ना मेरे साथ, खुश हो जाएंगी तुम्हें देख के। आप मेरी तरफ से शायस्ता खालों को जरूर पूछ लीजिएगा, और मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा जाने का। बस एक मेरी बहन के यहाँ जाने को तुम्हारा मूड नहीं होता। बचपन में भी मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाया करती थी, हालांकि बेचारा मुनीर अपने सारे खिलौने रख देता था तुम्हारे सामने। बेचारा बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का लड़ाका है आपका मुनीब। और शुक्र है कि यूके में बैठा हुआ है, शायस्ता खाला के यहाँ थोड़ा सुकून तो होगा। आ रहा है वो वापस, आपा ने बहुत जोर देकर बुलाया, अब आएगी तुम्हारी शामत। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। बाबा देखे ना, उसको कब से कह रही हूँ मुझे शॉपिंग पे ले जाए, मगर सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं लेकर जा रहे उसे शॉपिंग पे? जी चाचा। मैंने तो मुनीब से कह दिया, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मेरी तो सेहत ही इस काबिल नहीं रही कि इतने बड़े घर में अकेली रहूं। तो आप ही की जिद थी, वरना मुनीब के जाने पर मैंने और जमान ने कितना इसरार किया था कि आप हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएं। आप एक नहीं मानी, मेरा तो कोई हक ही नहीं है ना आप पर। ये बात नहीं है सफीना, मैं चाहती हूँ कि मुनीब को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। मैंने तो फैसला कर लिया, अब मैं उसके साथ मुस्तकिल यूके शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ उसकी शादी हो जाए ना। अच्छा फैसला है। आप काबिल नहीं है कि आप इतने बड़े घर में अकेले। तो तुम बात करो ना जमान से, मैं चाहती हूँ कि मुनीब के आने के बाद वक्त जाया किए बगैर उसकी और सिला की शादी कर दी जाए। हाँ हाँ मैं जमान से बात कर लूंगी, लेकिन आप मुनीब को बुलवाइए तो सही। मैं खुद भी चाहती हूँ सिला की शादी हो जाए, ताकि मैं इस जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊँ। आपको पता है सिला जमान की इकलौती वारिस है, और मेरा दिल बहुत डरता है बाहर कहीं शादी हो गई, खुदा मालूम कैसे लालची लोग हों। मुनीब से शादी हो जाएगी ना, इस तरफ से मुझे बेफिक्री हो जाएगी। ठीक कह रही है, बस अब आ जाएगा ना मुनीब कुछ अरसे में, देखना कितना समझदार लड़का, और मेरी बात को नहीं टालेगा। ये तो है। अरे अम्मी आप सोई नहीं अभी तक, देर हो गई। जा रही थी सोने, फिर तुम्हें यहाँ बैठे देखा तो सोचा चाय बना दूं, न जाने कब तक जागते रहोगे। आपने ऐसी तकलीफ की, मैं बना लेता अपने लिए चाय। बेटा तुम्हारा काम करने में क्या मुझे तकलीफ होती है? आपको तो खैर किसी का काम करने में भी तकलीफ नहीं होती अम्मी, सबकी आदतें बिगाड़ दी आप। अरे बेटा अच्छा है ना हाथ पांव चलते रहें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मसरूफ भी नहीं रहना चाहिए कि सेहत खराब हो जाए जैसे आपकी हो रही है। अरे बेटा मेरी सेहत को क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम यहाँ बैठे हुए क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी बचपन की एक बात याद आ रही थी। अम्मी याद है जब नए नए हम यहाँ आए थे तो मैं अब्बू को याद करके बहुत रोया करता था, है ना? बहुत लाड किया करते थे, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। मुझे याद है जी, तो और फिर आप आसमान पर सितारे दिखाते हुए मुझे कहती थी कि वो जो सबसे रोशन सितारा है ना, वहां तुम्हारे अब्बू तुम्हें रोता हुआ देख रहा है, और मैं फौरन चुप हो जाया करता था ताकि अब्बू के सामने अच्छा बच्चा बन सकूं। और फिर तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम अच्छे बच्चे हो। कहां साबित किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया जो अब्बू चाहते थे। वो चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूं, टेस्ट पास करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि चाचा ने कहा कि बहुत महंगी है पढ़ाई, कुछ ऐसा करो जिससे फौरन जॉब मिल जाए।
और फिर वही किया जो चाचा ने चाहा। जमान भाई के हम पर बहुत एहसानात हैं बेटा। इस भरी दुनिया में एक वही थे जिन्होंने हमारे सरों पे हाथ रखा, हमें तहफ्फुज़ दिया। अपने दिल में उनके लिए कोई गिला मत लाना, हम उनका ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकते। ये बात कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपका बेटा, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी आराम करो। अम्मी, अगर अब्बू जिंदा होते तो हमारी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती ना। अच्छा मुनीब आ रहा है, उसे कैसा ख्याल आ गया पाकिस्तान का? चलें अच्छा ही है, शायस्ता खाला खुश हो जाएंगी। वैसे मुझे तो लगता है रूमर ही है। तुम्हें खुशी नहीं हुई उसके आने की? मेरे और उसके टर्म्स कभी इतने अच्छे रहे नहीं कि हमें एक दूसरे से मिलकर खुशी हो। वैसे आई एम श्योर जितना बोर वो पहले था अब भी उतना ही बोर होगा। बहुत बड़ी फर्म में बहुत अच्छी पोस्ट पर है वो, बहुत बड़ी तनख्वाह है उसकी। हाँ आपने पहले भी बताया था। और शायस्ता आपा ने शादी के लिए बुलाया उसे, इस बार वो उसकी शादी कर देना चाहती है। खाला ने उससे पूछा भी है कि ऐसे? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि बकौल आपके काफी अच्छी जॉब है, कितने टाइम से यूके में रह रहा है, तो आई एम श्योर एक आधी शादी तो उसने कर ही ली होगी। मेरे ख्याल से खाला को पता कर लेना चाहिए, कंफर्म कर ले, क्या पता लड़की वाले को बताना पड़े। अच्छा शट अप, अब मजाक की कोई हद होती है? मगर मैं मजाक नहीं कर रही अम्मी। आज फिर तुम्हारी बाइक खराब हो गई? पुरानी बाइक है, थक गई है चल-चल। तो कब से कह रही हूँ एक नई बाइक ले लो। नई बाइक की प्राइस बताया तुमने? अगर महंगी है तो क्या हुआ, बाबा से पैसे ले लेना, बाद में वापस कर देना। पहले इतना कुछ है जमान चाचा का कि सारी जिंदगी भी लगा रहूँ ना तो उतार नहीं सकूंगा। मोड़ लेने की बात करी और इजाफा कर लू। आदि प्लीज ये गैरों वाली बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, चाचा है तुम्हारे यार। फिलहाल मुझे जरा जल्दी है, पेपर्स मुझे ऑफिस में देने हैं किसी को, अभी जाओ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा देखे ना, उसको कब से कह रही हूँ मुझे शॉपिंग पे ले जाए, मगर सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं लेकर जा रहे उसे शॉपिंग पे? जी चाचा। देखा अब तो बाबा ने भी इजाजत दे दी, चले मैं बस अभी आई अपना बैग लेके। इसे किसी जरूरी काम से जाना हो तो इनकार मत किया करो, आइंदा ख्याल रख। जी चाचा। और हाँ, कल वक्त निकाल कर गाड़ी सर्विस करवा दे, वहीं बैठे रहना, गाड़ी उनके हवाले करके मत आना। ये लो चाबी, उसे ले जाओ। क्या जरूरत थी चचा से झूठ बोलने की? मैंने कब कहा था शॉपिंग पे चलने के लिए तुम्हें? मैं तो कहने ही वाली थी, मगर तुमने बातों में लगा दिया और फिर बाबा आ गए, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? सेला, चिप आकल हो तुम। तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं कह रहा। ये बताओ जाना कहाँ? ये तो तुम्हें ही पता होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हें वो पेपर्स देने थे ना? हाँ। पहले ये काम ही निपटा लेते हैं।
ओके, तो आपने ये शॉपिंग पे चलने का प्लान अचानक इसलिए बनाया? अचानक नहीं, प्रोग्राम तो पहले से ही बना होगा। अब जब निकले हैं तो अच्छा है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। सिला, सुधर जाओ। कुछ खाओगे? नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है, बस काम पहले हो जाए। खाना मैं खिलाऊंगी। मैंने इससे पहले तुमसे कभी खाया? पैसे नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस। मैंने आज तक तुमसे पैसे लिए कभी? हमेशा मैंने ही खिलाया। कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज को समझो आग ही लग गई है। समझ में नहीं आ रहा किस चीज में से खर्चा कम किया जाए। जहरा भाभी ने सारा किचन संभाल रखा है ना, अच्छे शेफ कहाँ मिलते, ग्रेड वन ऑफिसर की तनख्वाह लेते। हाँ तो जहरा भाभी कब सस्ती पड़ रही है हमें, उनका दिल का सारा खर्चा उठाते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलवाया था? हाँ भाई, तुम्हें तो बुलवाओ तो ही तुम आते हो, बहुत मसरूफ हो गए हो शायद। कोई काम था? अरे ऐसे कह रहे हो जैसे सारे कामों की जिम्मेदारी बस तुम पे है। जिस काम के लिए बुलाया है वो बताओ उसे। हाँ ये लो, ये सौदा है, जरा ले आओ जल्दी से। जी। और सुनो, पैसे कम करवाना, हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना जरूर। जी। जरा बाबी को भेज देना। सफीना, जरा भाभी तो अभी यहीं थी, फिर कोई काम याद आ गया? थोड़े से कपड़े पड़े हैं इस्त्री वाले, वो करवा दे। अच्छा सफीना, चिल्ला बेटी से बात हुई, उसकी राय ली तुमने मुनीत के बारे में, क्या कह रही? हाँ बात तो करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बात को सीरियसली लेती नहीं है, बहुत लाडली है ना, इसलिए उसे हर बात में अपनी मनमाने की आदत है। देखो ये उसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है, उसे समझाओ, अगर वो ना माने तो सख्ती करो, तुम माँ हो उसकी। सौतेली माँ? सख्ती करूंगी तो इमेज नहीं खराब होगा मेरा, सब यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी ना, इसलिए अपनी बात मनवाई। देखो सफी, तुम सिला की माँ, उस पर जितना हक तुम्हारा है और किसी का नहीं, उसकी बेहतरी के लिए तुम जिस तरह चाहो जैसे चाहो जो करना चाहती हो करो, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुनीब आ रहा है ना, आप पहले उससे मिल लीजिए, फिर हम शायस्ता आपा को हाँ कर देंगे। मेरा अपना घर है, बेतुकी बातें मत किया करो। तो चले,
फिर यही बता दें कि आप आज अपना घर छोड़ के मेरे लिए नाश्ता क्यों बना रही? जमान भाई गए हुए कल से इस्लामाबाद। सफीना भी रात को कहीं से शादी से बहुत देर से आई थी, देर में ही उठेंगी, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम आराम से आना। देर में कर लेता। ये क्या हुआ अभी? बेटा कुछ भी नहीं हुआ, जरा सा जल गया था, तेल के गरम छींटे पड़ गए। जरा सा जला? अच्छा खासा जला है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा कुछ भी नहीं हुआ, कह तो रही हूँ सिला ने दवा लगा दी थी, छाले भी नहीं पड़े। कोई ख्याल नहीं करती ना, उस घर वाले आईडी के बारे में कुछ सोचा? नहीं बेटा, मुझे तो मुश्किल लगता है, जमान भाई और सफीना को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे कि हम उनका घर छोड़ के कहीं और रहने जा रहे हैं। जाहिरी बात है, उनको क्यों अच्छा लगेगा, उनको अब अच्छे मुलाजिम मिलेंगे। बेटा क्यों ऐसी गरीबी बातें करते हो? जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया उससे बढ़कर तुम उनके लिए कर भी नहीं सकते। मुझे पता है नहीं भूल सकता मैं उनके एहसान, और आप भूलने भी कहा देंगे मुझे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अम्मी कि वो मैं आगे आपका बुलाना, आपके बगैर उनकी सुबह हो ही कहां सकती है। Many, many happy returns of the day. Ali, Assalamu alaikum, Chachi. Wa alaikum salam, beta. तुम्हें हमेशा की तरह आज भी आदि की सालगिरह याद है। जी अब आप जल्दी से बैठ जाए, मैं जल्दी से केक निकाल के लाती हूँ। बैठे 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 लेकर आओ, वहीं पे रखिए बर्तन। वो तो मैं जल्दबाजी में कैंडल्स लाना भूल गई, वरना मैं वो भी ले आती। वैसे आदि तुम हो कितना साल के? ये तुम्हारा गिफ्ट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adi. क्या जरूरत है तकलीफ करने की? ये कोई तकलीफ नहीं यार, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। मैं तो समझा था ना जाने आप कितने बीमार हैं, ये परेशानी में आना पड़ा है मुझे कि मैं बता भी नहीं सकता। ले ये तो तुम्हें देखकर खुशी से उठ बैठी हूं मैं, वरना मैं तो बहुत बीमार थी। खैर इतनी भी खराब नहीं है। है क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? सिला के बारे में। मैंने आपके कहने पे शादी के बारे में सोचा तो है, लेकिन सच ये है कि मैं पाकिस्तान में शादी करना ही नहीं चाहता।
और सिला, she has never impressed me. मैं उससे शादी कैसे कर लूं? Never. क्यों बेटा? इतनी प्यारी है, लाखों में एक. और तुम्हें पता है ना, जमान की इकलौती औलाद है, जो कुछ उनका उसे नहीं. और तुमने तो 6 साल पहले देखा था उसे, अब देखोगे ना तो इनकार नहीं कर पाओगे. देखो माँ हूँ मैं तुम्हारी, इतना तो हक बनता है ना मेरा. मेरी बात मान लो, उस सिला से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी. अच्छा मैं मानती हूँ, सफीना उसकी सगी माँ ना सही, तुम्हारी तो सगी खाला है, बहुत कुछ करेगी तुम्हारे लिए. बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचूंगी. चले देख लेते हैं सफीना खाला की मोहब्बत को भी. ठीक है, फिर मैं सफीना से बात करती हूँ. जरा भाभी, जरा भाभी. जी आ रही हूँ. आ रही है दरअसल. ऐसे मामलों में तो लड़कियां जरा शर्माई जाती हैं, और फिर हमारी सिला वैसे भी बहुत. नहीं अम्मी, मुझे मनीप से शादी नहीं करनी. जाओ बेटा जाके तैयार हो, बहुत काम करवा लिया तुमने. मैंने क्या किया जरा चाची, मुझे आता ही क्या है. सारा दिन हो गया किचन में खड़ी है, जा जाके आराम कर. तुम अब तक यहाँ बैठी हो, आप और मुनी बातें ही होंगे, उठो तैयार हो जाओ. अभी 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, मुझे कौन सा टाइम लगता है तैयार होने में. बहस नहीं करो सिला, उठो. जाओ बेटा जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ. जा रही हूँ. मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुनीब को इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत है. मैं तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा. आप सिला को किचन में मत रोका करें, मुझे अच्छा नहीं लगता. और आज मेहमानों के जाने तक आपने किचन में ही रहना, एनएक्सी में मत चली जाइए. कितने अरसे के बाद तुम आए हो, क्या पाकिस्तान आने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता था. I'm so sorry खाला, I was really busy. असल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जॉब एंड स्टडीज यू नो. वैसे भी वहां हर चीज फुल अटेंशन मांगती है, हर चीज. और यहाँ पाकिस्तान में रह के चीजें काफी इजी लगती हैं. असल में इट्स रियली हार्ड एक्चुअली. बेटा मुझे तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर के तुमने यूके में ही सेटल होने का फैसला कर लिया. बहुत अच्छा फैसला यार. है क्या बदमनी, करप्शन, महंगाई. मैं तो कहता हूं कि जिस जिसको मौका मिले
वो यहां से निकल सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन पाकिस्तान, हर चीज जाया हो रही है। वैसे मेरे ख्याल से अपने मुल्क से बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकता। सिला, तुम अभी तक पहले की तरह जज्बाती हो। तो जज्बाती होना तो अच्छी बात है ना, एटलीस्ट इससे पता चलता है कि आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। अच्छा भी अच्छा, बस बस बहस नहीं करना, भूल गए हो तुम लोग इतने अरसे के बाद मिले हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ेरा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लाए ज़ेरा चची मुझे देते, मैं ले जाती। सिला जो आगे पीछे फिरती है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। सर पे चढ़ा रखा है उसने ज़ेरा को। तो तुम सख्ती करो ना ज़ेरा से, औकात याद दिलाती रहा करो उसको। इसे ये लोग तभी कंट्रोल में रहते हैं, वरना तो जिंदगी अजाब करने। शादी हो जाए सिला की, फिर ठीक करूंगी इसे मैं। वो यहाँ नहीं होगी ना तो ज़ेरा को सीधा रखना बहुत आसान है। देख रही हैं इसका बस नहीं चलता कि सारा काम खुद कर ले, उनको कुछ ना करने दे, सारा वक्त ज़ेरा भाभी के साथ लगी रहती। सिला बेटा आके हमारे साथ भी तो बैठो, काम बाद में हो जाए। जी आंटी बस एक मिनट में आई। देखा, तुम फिक्र ना करो, मुनीब से शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। लाड प्यार में पले हुए बच्चे इसी तरह के होते हैं। आओ बेटा बैठो। जमान भाई अब तो आप मुनीब से मिल चुके हैं, इत्मीनान हो गया आपको? ये आपका बेटा हमारा बेटा है, माशाल्लाह बहुत लायक, फख्र है हमें इस पर। तो फिर मुनीब और सिला का रिश्ता पक्का समझो? देखिए मुनीब को इतनी दूर से बुलवा कर लाई हूँ, अब तो इकरार करवा कर ही जाऊंगी। देखिए मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि बच्चों की मर्जी जरूर पूछ लेनी चाहिए। देखिए मुनीब तो मुझे अपनी रजामंदी दे चुका है, और सिला यहीं बैठी, पूछ लेते हैं। बोलो बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है हम अगर मुनीब से तुम्हारा रिश्ता तय कर दें तो? सलाम बताओ बेटा। शर्मा रही है दरअसल, ऐसे मामलों में तो लड़कियां जरा शर्मा ही जाती हैं, और फिर हमारी सिला वैसे भी बहुत। नहीं अम्मी, मुझे मुनीब से शादी नहीं करनी, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सिला बेटी, तुम होश में तो हो? जानती हो क्या कह रही? आपने मेरी राय जानना चाहती थी बाबा, सो मैंने बता दी। हाँ ठीक है, तुमने अपनी राय बता दी, लेकिन हम तुम्हारी शादी मुनीब से ही करेंगे, हमें ये रिश्ता मंजूर है आपा। मगर मुझे मंजूर नहीं अम्मी, और आप मेरे साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, दुनिया में बहुत से लोगों की जबरदस्ती शादी होती है, उनमें से एक तुम भी सही। अभी क्यों नहीं करोगी तुम मुनीब से शादी? कोई और है क्या? किसी और को पसंद करती हो तो अभी बताओ, बताओ कौन है वो, किससे करना चाहती हो तुम शादी?
बोलो सिला कौन है वो, किससे करोगी शादी? आखिरी बार पूछ रही हूं, कौन है वो बताओ, कौन है वो, किससे करना चाहती हो शादी, कौन है आखिर? मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मेरी भी एक बात सुन ले, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चली जाओ यहां से। और तुम भी सुबह सवेरे घर से जा चुके थे, ये भी मुझे चौकीदार ने बताया। मतलब अदील, कहां छुपा के रखा है मेरी बेटी को?